तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी जो रूलर है वो अपनी मनमर्जी से सरकार को नहीं चला सकता, बल्कि कुछ रूल्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट को और सिटीजन्स को फॉलो करना होता है। तो ये जो रूल्स होते हैं यही मिलकर बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है और उसे कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है, और जानेंगे कि बदलते समय के साथ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम बदलाव कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे तो पक्का है कि एग्जाम में तो जरूर आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप जब चाहें इसको रिविजन के टाइम देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका से। तो पहले के टाइम पे जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे तीन टाइप के लोग रहते थे। पहले जो गोरे लोग थे, दूसरे जो काले थे, और तीसरे जो कलर्ड थे। कलर्ड यानी सांवले कलर के जो होते हैं ना, जो ना व्हाइट होते हैं ना ब्लैक होते हैं। तो अब दिक्कत क्या आती साउथ अफ्रीका में, जैसे कि इंडिया में अंग्रेजों ने रूल करा था वैसे ही साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट लोग थे यानी व्हाइट माइनॉरिटी थी, उन्होंने नॉट व्हाइट पीपल्स पे, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया। तो साउथ अफ्रीका में उनकी स्किन को लेकर यानी ब्लैक कलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन करवाता कौन था, जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी यानी जो अंग्रेज थे यही करवाते थे। तो जो वहाँ के जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जैसे कि जो नॉन वाइट लोग थे उनको वाइट एरिया में रहने के लिए कोई भी परमिशन नहीं मिलती थी। आप रहने का तो छोड़िए, वहाँ पे जाने की भी परमिशन नहीं थी नॉन वाइट लोगों को, और अगर जाना भी होता था इमरजेंसी में तो उनको परमिट लेना पड़ता था। और तो और साउथ अफ्रीका में जो पब्लिक प्लेसेस होते थे वो भी अलग अलग होते थे, ब्लैक के लिए अलग और वाइट्स के लिए अलग। तो जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरोपियंस ओनली है, मतलब यहाँ पे सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए नॉन यूरोपियन यानी यहाँ से काले लोग जाएंगे। वैसे ही जो ये वाली चेयर है ये वाइट्स लोगों के लिए थी, और जैसे ये वाली चेयर है ये नॉन वाइट्स लोगों के लिए थी। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इनके अलावा जो भी स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, सिनेमा हॉल्स थे, टॉयलेट्स थे, तो ये सब वाइट्स के लिए अलग थे और नॉन वाइट्स के लिए अलग थे। अब दोस्तों दिक्कत ये थी कि दोनों क्या अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन अलग अलग होने के साथ साथ जो वाइट लोग थे उनके जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी थी, और जो ब्लैक लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा पुअर्स थी और काफ़ी नॉर्मल टाइप की थी। और जो नॉन वाइट्स थे यानी जो ब्लैक लोग थे उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। तो जो अफ्रीका में ये कलर सिस्टम चलता था इसको बोलते थे अपार्टहाइड सिस्टम। अब जो भी इस सिस्टम के खिलाफ था उसको या तो मौत की सजा दे दी जाती थी या फिर जेल में डाल दिया जाता था। तो इसीलिए नेल्सन मंडेला को 1964 में जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम का विरोध करा था। तो आप देख ही सकते हैं जो व्हाइट लोग थे वो कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे इन ब्लैक लोगों के ऊपर। लेकिन अफ्रीका के लोगों ने हार नहीं मानी, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। व्हाइट लोगों के अगेंस्ट वो अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे। इन सब प्रोटेस्ट को एक पार्टी लीड कर रही थी, वो थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इन्होंने कई सालों तक प्रोटेस्ट करा, जिससे क्या हुआ कि जो व्हाइट सरकार थी यानी व्हाइट गवर्नमेंट थी उसको झुकना पड़ा, क्योंकि जो गोरे लोग थे वो समझ गए थे कि अब हम इनको ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगे, कभी ना कभी तो वो उन पे कब्जा कर ही लेंगे। तो इससे बचने के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने करा कि जो जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको हटा दिया, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन लगा हुआ था उनको भी हटा दिया। अब क्या हुआ, जो नेल्सन मंडेला थे वो 28 सालों के बाद जेल से वापस आते हैं। फिर फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल जाती है इस अपार्टहाइड सिस्टम से, और जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के। अब जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने तो ब्लैक लोगों के पास आ गई पावर। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपना व्हाइट लोगों से रिवेंज ले ले यानी बदला ले ले, या दूसरा ऑप्शन ये था कि वो उनको माफ़ कर दे और उनको शांति से जाने दे, उनको अपने देश भेज दे और हम शुरुआत से शुरू करें। पर लोगों ने यही किया। फिर जितने भी ब्लैक लीडर्स होते हैं वो उन सबको माफ़ कर देते हैं, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें कि वो जितने भी राइट्स थे सबको इक्वल इक्वल राइट्स मिलेंगे, और जो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ब्लैक है कि वाइट है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उसमें सबको इक्वल इक्वल राइट्स दे देते हैं। फिर 2 साल के डिबेट और डिस्कशन के बाद फिर फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसकी मदद से सभी लोगों को इक्वल इक्वल राइट्स दे दिए जाते हैं। तो फाइनली साउथ अफ्रीका के पास आज की डेट में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आज खुशी खुशी रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। तो इसे जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ आर रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल्स इन द कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल्स का कलेक्शन होता है जिसको सभी को मानना पड़ता है। अगर दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ये एक तरीके की स्पेशल किताब है जिसमें क्या सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और रिटन रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि कैसे हमारा देश चलेगा, और इसमें जो भी रूल्स लिखे हुए हैं वो हम देश के सारे सिटीजन्स को मानने पड़ेंगे।
अब हम जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये करता क्या है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रूथ एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप। तो आप सभी जानते हैं कि हर कंट्री में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, इन लोगों के बीच में संबंध बनाए रखता है, बॉन्डिंग बनाए रखता है अच्छी सी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये सारे लोग बिखर जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको जोड़े रखता है। एंड सेकेंड, इट्स स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कैसे बनेगी, और ये बताता है कि किसके पास कितना पावर है कोई भी डिसीजन लेने का। एंड थर्ड इज, इट्स लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं और हमें बताता है कि गवर्नमेंट की पावर के क्या क्या लिमिट्स हैं। एंड द लास्ट फोर्थ इज, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि लोगों की क्या क्या एस्पिरेशन है और ये बताता है कि लोग कैसी सोसाइटी चाहते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बड़े ही आसानी से बन गया है, बल्कि इंडिया को भी साउथ अफ्रीका की तरह काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है जब जाके हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वाली एक बहुत बड़ी कंट्री है। मतलब इंडिया में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी जो विचार है वो भी काफी अलग अलग है। तो ऐसे में हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिससे सब सहमत हो, जिसको सब एक्सेप्ट कर ले। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे डिफरेंट रिलीजियंस के बीच ट्रॉमेटिक कंडीशंस थी, सभी लोग आपस में धर्म के आधार पर बटे हुए थे, इनके बीच में टेंशन का इशू बना रहता था। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो दोनों ही धर्म को निराश ना करें और जितने भी धर्म है उनका सम्मान करें। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिश थे, जब वो जाने लगे थे तो उन्होंने अंत में क्या करा कि जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जहाँ पे राजाओं का अधिकार था, उनके स्टेट को वो राजाओं को बोला कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या इंडिया के साथ मिल जाओ, या अपना खुद का देश बना लो। तो इससे क्या दिक्कत हुई कि जितने भी राजा महाराजा थे हमें उन्हें मनाना पड़ा कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, और इसकी वजह से हमारा काफी सारा टाइम भी वेस्ट हुआ। तो ये तो हुई बात हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब हम बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन लोगों को पहले से ही आइडिया था कि हमारे इंडिया के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने हर दिक्कतों का सामना करा था जब ब्रिटिशर्स का रूल था। मोतीलाल नेहरू ने और 8 कांग्रेस लीडर्स ने पहले ही, जब हम आजाद भी नहीं हुए थे, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कर लिया था। मतलब 1928 में ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट हो चुका था, यानी कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था और इसमें सिटीजन के सारे राइट्स को इंक्लूड किया गया था। अब दोस्तों, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो कुछ लोगों के पास वोट डालने का अधिकार था, तो इससे ये हुआ कि उन लोगों को पता था कि कैसे ब्रिटिशर्स रूल करते हैं, उनका गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, उनको इसकी नॉलेज थी। तो उनको नॉलेज थी और एक्सपीरियंस था, जिससे ये हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में बहुत ही ज्यादा मदद मिली। और तो और, जो ब्रिटिश रूल में जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी, जो अच्छे अच्छे रूल्स थे, राइट थे, उनको भी अडॉप्ट कर लिया गया, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतनी आसानी से नहीं बना। जितने भी लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी डिटेल में और बड़ी बारीकी से पढ़ा, ताकि वो लोग हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो ये जो असेंबली थी ये 299 लोगों की एक बॉडी थी जिसको चुना गया था इलेक्शन के द्वारा। इन्हीं लोगों ने 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बना दिया था, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। अब दोस्तों, एक सवाल उठता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये बहुत सालों पहले बना था, अब करीब 70 साल से ऊपर हो चुका है, तो हमारा सवाल ये है कि आज भी हमें क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों ने मिलकर बनाया था। ये जो लोग थे ये देश के अलग अलग कोनों से आए थे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये सबकी सहमति से, सबसे डिस्कशन करके, सबसे कंसल्ट लेके, जब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसलिए किसी ने भी, पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई भी कम्युनिटी का ग्रुप हो, किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज तक सवाल नहीं उठाए। यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से काफी ज्यादा अच्छा बनाती है। और तो और, कई देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बदलाव करते हैं, लेकिन हमें आज तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बना था। इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के,
इसके बाद कई सारे डिस्कशन होते हैं, काफी कंसल्ट लिए जाते हैं, फिर 2000 में अमेंडमेंट किया जाता है, जब जाके हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जो वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 70 साल पहले थी, वही वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आज भी बरकरार है। इससे पता चलता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कितना ज्यादा खुश हैं। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि किनके आइडियोलॉजी की वजह से हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। जो गांधी जी थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे वो गांधी जी के आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रेरित थे। गांधी जी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में ये बताया था कि उनको किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो गांधी जी चाहते थे कि इनइक्वालिटी को समाप्त कर दिया जाए, सभी को समान अधिकार मिले, और B.R. अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए। दोनों ही यही चाहते थे कि इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रीएम्बल क्या है। तो प्रीएम्बल एक तरीके का एक समरी है या फिर एक इंट्रोडक्शन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम प्रीएम्बल को समझ लेंगे तो हम ये जान लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो किस आधार पर बना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं, तो एक एक करके हम इनका मतलब समझेंगे। तो पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको इंडिया के लोगों ने ही बनाया है, किसी राजा महाराजा या किसी फॉरेन कंट्री ने हमें नहीं दिया है। अगला वर्ड है सोवेरिन। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वो अपने खुद के डिसीजन ले सकती है, भले ही वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आएगी डिसीजन लेते समय। अब तीसरा है सोशलिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वेल्थ है वो सभी सोसाइटी मिलकर जनरेट करती है, तो जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड रेगुलेट करेगी जिससे सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी खत्म होगी। फोर्थ है सेक्युलर। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में रहने वाला कोई भी सिटीजन कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, और इससे ये जो गवर्नमेंट है हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगी। अब फिफ्थ है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये है कि लोगों को पूरी स्वतंत्रता है अपना लीडर खुद चुनने की, और उनके पास सारे पॉलिटिकल राइट्स होंगे, और गवर्नमेंट को उनके बेसिक रूल को मानना पड़ेगा। अब सिक्स्थ है रिपब्लिक। इसका मतलब ये है कि जो हमारे इंडिया का हेड है यानी जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा। सेवन्थ है जस्टिस। इसका मतलब ये है कि हम सिटीजन के बीच भेदभाव नहीं कर सकते, उनको पूरा जस्टिस मिलेगा। एट्थ है लिबर्टी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पूरी स्वतंत्रता होती है अपने थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, एक्शन की। इसका मतलब हम पूरी तरीके से आजाद है, हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाइन्थ है इक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। टेंथ है फटर्निटी। इसका मतलब ये है कि आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो प्रीएम्बल हमें क्या बताता है कि इन सभी बातों का कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखा गया है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। दोस्तों, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ वैल्यूज या फिलॉसफी के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें ये भी बताता है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर हम बदलाव भी ला सकते हैं। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो ये चेंज हम जब ला सकते हैं जब हमें लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से नहीं है। जब सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हों या फिर हमें लगे कि लोगों को दिक्कत हो रही है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। आई होप आपको मैंने जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।